बेलतरोडी पोलीस ठाणे हद्दी सायबर फ्रॉड करणाऱ्या एका टोळीचा पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. गिफ्ट आणि 1,00,000 डॉलरचे आमिष दाखवून सायबर गुन्हेगार तरुणीने तरुणाची 40 लाखाची फसवणूक केली होती. फिर्यादीच्या तक्रारीवरून तपास करीत अखेर 2 वर्षानंतर आरोपीला अटक करण्यात पोलिसांना यश आलं आहे. एकूण 4 आरोपींना अटक करून पुढील तपास पोलीस करीत आहे. बेलतरोडी ठाणे हद्दीत एका युवकाने आपल्या भावाकरिता मेट्रोमोनियल साईटवर रजिस्ट्रेशन केलं होतं. युवकाला व्हॉट्सॲपवर एका मुलीचा इंटरेस्टेड असण्याचा मेसेज आला. त्यांच्या चॅटिंग झाली, व्हॉट्सअप कॉल झाला आणि मुलींनी गिफ्ट आणि 1,00,000 डॉलर्स पाठवण्याचा लालच युवकाला दिला. पुन्हा व्हॉट्सॲपला गिफ्ट आणि डॉलर्स पाठवण्याचा फोटो पाठवला. त्यानंतर एका युवकाचा कॉल आला आणि फिर्यादीला कस्टम ऑफिसर बोलत आहे, तुम्हाला गिफ्ट आले आहे त्यावर कस्टम ड्युटी लागेल आणि मनी लॉन्ड्रिंगचे चार्ज लागेल असे सांगत वेगवेगळ्या अकाउंटमध्ये 40 लाखाची रक्कम घेत फसवणूक केली. मागील 2 वर्षापासून बेलतरोडी पोलीस या सायबर गुन्हेगाराचा शोध करीत होती. अखेर पोलिसांना 4ही आरोपींना पकडण्यात यश आलं असून पुढील तपास पोलीस करीत आहे. सायबर पोलीस ठाण्याने हल्ली 2 दिन पहले आरोपी अटक किए हुए हैं. इसमें बेलतरोडी पुलिस थाने में गुना दाखिल था 286/2021. उसमें मैट्रिमोनियल साइट पे फिरियादी जो है उन्होंने रजिस्टर किया था अपने भाई के लिए और उनको फिर जो अननोन महिला आरोपी है उन्होंने कॉल किया था और उनको व्हाट्सएप द्वारा कॉल किया था और चैटिंग भी किया था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके भाई के प्रपोजल में और मैं रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ. और ऐसे ही उनसे कांटेक्ट करके फिर बाद में उनको आमिष दिखाया गया कि भाई कुछ कोटी डॉलर्स 1,00,000 डॉलर्स आपको भेजना चाहती हूँ और कुछ गिफ्ट्स भेजना चाहती हूँ. फिर वो भेजने के फ़ोटो उन्होंने उनको भेजे. फिर दिल्ली एयरपोर्ट में वो गिफ्ट जो है आए हुए है ऐसा बताया. उसके बाद उनको कस्टम ऑफिसर करके अज्ञात आरोपी ने फ़ोन किया और उनको बताया कि ये जो आपके जो गिफ्ट्स आए हैं उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगा, फिर आपको मनी लॉन्ड्रिंग का चार्जेस भरना पड़ेगा. ऐसा करके सब मिला के अलग अलग अकाउंट में 40,67,853 रुपीस इतना उनको विक्टिम को फंसाया गया था. हम लोग ने इस गुने में पहले भी टीम भेजा था लेकिन जबकि ये गुना 2021 का है तो बहुत सारे अकाउंट्स के जो डिटेल्स है और सिम कार्ड के डिटेल्स, ये अकाउंट्स बंद हुए थे, सिम कार्ड बंद हुए थे, लोकेशन नहीं मिल रहे थे. उसके बाद मैं खुद इसमें हमारे डीसीपी सर जो है ईओडब्ल्यू के आरचित चांडक सर, इनके जो गाइडेंस में हम लोग खुद हमारी टीम, मैं खुद उसमें था और टीम रवाना हुई. उसमें हम लोग ने 4-5 दिन हमको सिर्फ नए जो डिटेल्स है वो निकालने में लगे और उसके बाद हम लोग ने जो हमारा टेक्निकल जो विंग है उनके मदद से ये पूरा अकाउंट होल्डर्स और उनकी सिम कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सब हम लोगों ने नए चालू हुए मोबाइल नंबर निकाले और उनको ट्रेस करके बहुत टेक्निकली यूज़ करके उनको पकड़ा है.